नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में गरीबों का मकान बनाने के लिए फिर से होगा सर्वे। अब पेपर लीक करने वालों को हो सकती है जेल या लग सकता है 1 करोड़ का जुर्माना। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में काम करने वालों को मिली खुशखबरी। OTT पर भैया जी फिल्म रिलीज होते ही ऑटो रिक्शा चालकों के बीच पहुंचे मनोज वाजपेयी। जाने व्हाट्सएप पर क्लॉक आइकन का क्या होता है मतलब। गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए इस दिन तक करे आवेदन। सूर्य कुमार को कप्तानी मिलने पर अक्षर पटेल का बयान आया सामने। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीडैक ने प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित इन पदों पर निकाली भर्ती। सीडैक की तरफ से वैज्ञानिक, प्रोजेक्ट इंजीनियर और तकनीकी सहित 135 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। यहां आवेदन के लिए आपसे किसी तरह के शुल्क नहीं लिए जाएंगे। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आपकी उम्र सीमा 30 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में काम करने वालों को मिली खुशखबरी। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में काम करने वाले और 4 साल का अनुभव रखने वालों को BSF समेत CAPF के अंतर्गत आने वाले अन्य बलों में 10% आरक्षण और आयु सीमा में रियायत देने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा देते हुए बताया गया है कि 2 सप्ताह पहले ही ये फैसला लिया गया था, जिसकी घोषणा की गई है। इन्होंने अपने एक्स अकाउंट के जरिए बताया कि BSF, SSB, CIASF, CRPF आदि 4 साल के अनुभव वाले पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए अनुकूल मानते हैं। इन्हें बल में 10% आरक्षण और आयु सीमा में रियायत दी जाएगी। अब पेपर लीक करने वालों को हो सकती है जेल या लग सकता है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक के मामले को देखते हुए इसे रोकने के लिए बिहार सरकार बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 लाई है। अब ये विधेयक पास हो चुका है। अब इस कानून के तहत जो भी परीक्षा में धांधली या पेपर लीक जैसे काम को अंजाम देता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। विधानसभा से ये बिल पास हो चुका है। अब केवल इस विधेयक के विधान परिषद से पास होने का इंतजार है। बच्चों द्वारा सरल प्रश्न का जवाब भी नहीं देने पर जिलाधिकारी ने शिक्षकों पर की कार्रवाई। मुंगेर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह बुधवार को सदर प्रखंड के कुतुलपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय राम सिंह टोला पहुंचे। यहां आते ही इन्होंने बच्चों से कई तरह के सवाल जवाब किए और उनसे बातचीत की। जब उन्होंने हिंदी विषय से कुछ सवाल सरल प्रश्नों के जवाब मांगे तो बच्चे इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो सके, जिस पर DM अवनीश कुमार भड़क गए और उन्होंने पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। साथ ही सहायक शिक्षक ओम प्रकाश दास को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। साथ ही प्रधानाध्यापक रामाशंकर कोकिल के असंतोषजनक कार्यशैली पर भी स्पष्टीकरण मांगा है और विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। दानापुर आनंद विहार एक्सप्रेस समेत 26 ट्रेनें हुई रद्द। यार्ड रिमॉडलिंग के लिए मुरादाबाद मंडल के रोजा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से दानापुर आनंद विहार एक्सप्रेस समेत 26 ट्रेनें 25 जुलाई से 7 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। ये सभी ट्रेनें अलग अलग दिनों पर रद्द की गई हैं। यदि आप इस रूट से ट्रेन के जरिए कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेन और उसके रूट की जानकारी रख लें। इसकी जानकारी आपको रेलवे स्टेशन इंक्वायरी काउंटर और IRCTC पर भी मिल जाएगी। प्रदेश में गरीबों का मकान बनाने के लिए फिर से होगा सर्वे। प्रदेश में गरीबों का मकान बनाने के लिए एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा। इसकी जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा दी गई है। सर्वे करने के बाद सूची तैयार की जाएगी। फिर जिन गरीबों को अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है उन्हें मकान बनाकर दिया जाएगा। विजय कुमार खेमका के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलों को 65,713 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इनमें 63,531 आवास की स्वीकृति दी गई है।
आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए 31 जुलाई तक चल रहा विशेष अभियान। आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए 31 जुलाई 2024 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दिन तक आप निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे, इसकी जानकारी IPRD के जरिए मिली है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड और व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड चाहिए होंगे। राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर आप जन वितरण प्रणाली दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं। लाभुक परिवार के सभी सदस्यों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना जरूरी है, जिससे 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज समय पर मिल सके। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। जाने कब एसी की सर्विसिंग करवानी है जरूरी। अक्सर गर्मी और बारिश की उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। मार्च अप्रैल के महीने के बाद कई घरों में एसी चलनी शुरू हो जाती है, वहीं अक्टूबर नवंबर से एसी का इस्तेमाल भी बंद हो जाता है। एसी का इस्तेमाल कब से करना चाहिए ये तो सबको पता है, लेकिन इसकी सर्विसिंग कब होनी चाहिए इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। ऐसे में क्या आपको पता है कि हमें अपने एसी की सर्विसिंग कब कब करवानी चाहिए? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। गर्मी की शुरुआत के साथ ही यानी मार्च अप्रैल के बाद जब आपको एसी की जरूरत पड़ने लगे तो उस वक्त ही आप सबसे पहले एसी की सर्विसिंग करवाएं, क्योंकि इससे पहले पूरे ठंडे में आपकी एसी बंद पड़ी थी। ऐसे में हो सकता है इसमें कई तरह की गंदगी जमा हो गई हो, इसलिए इस दौरान एसी की सर्विसिंग करवानी जरूरी है। सीनेट परीक्षा 2024 के लिए CBSE ने जारी किए प्रोविजनल आंसर की। CBSE द्वारा सीटेट परीक्षा 2024 के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी किए जा चुके हैं। 7 जुलाई को सीटेट की परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आंसर की का इंतजार था, जिसे अब CBSE ने अपने आधिकारिक वेबसाइट seated.nic.in पर रिलीज कर दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की रेस्पॉन्स सीट और परीक्षा प्रश्न पत्र भी जारी किए गए हैं, साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो को भी ओपन कर दिया गया है। VTR की जंगल से भटक कर चनपटिया के पुरैना पहुंचा बाघ। करताहा नदी के रास्ते चनपटिया के पुरैना में VTR के जंगल से एक बाघ भटक कर पहुंच गया। लोगों की नजर इस बाघ पर बुधवार की सुबह पुरैना शिव मंदिर के पास पड़ी, जिसके बाद गांव वालों के बीच दहशत का माहौल बन गया। अभी तक बाघ ने केवल नील गाय को ही अपना शिकार बनाया है। किसी व्यक्ति पर अभी तक हमले की कोई खबर सामने नहीं आई है। पुलिस भी इस इलाके में लोगों को माइकिंग के जरिए अलर्ट कर रही है। बाघ पर नजर रखने के लिए 15-15 सदस्यों की 2 टीम बनाई गई है। जाने व्हाट्सएप पर क्लॉक आइकन का क्या होता है मतलब। व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम अक्सर अपने परिवार और दोस्तों से चैटिंग या वीडियो कॉल के दौरान करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हम अपने दोस्तों या परिवार वालों को आसानी से मैसेज, फोटो, वीडियो या फाइल शेयर कर सकते हैं। कई बार कोई मैसेज या फोटो वीडियो भेजने के दौरान आपने देखा होगा वहां पर टिक की जगह क्लॉक आइकन दिखाई देती है। तो क्या आपको पता है कि घड़ी के आकार का ये घड़ी आइकन क्यों दिखाई देता है? दरअसल ये आइकन हमें बताता है कि ये मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं है। ऐसा नेट की समस्या के कारण हो सकता है। जब नेट सही से काम करता है तो यहाँ पर क्लॉक आइकन की जगह टिक लग जाता है। OTT पर भैया जी की फिल्म रिलीज होते ही ऑटो रिक्शा चालकों के बीच पहुंचे मनोज वाजपेयी। अभी हाल में ही आई भैया जी फिल्म को लेकर मनोज वाजपेयी चर्चा में बने हुए हैं। सिनेमा घरों के बाद अब इस फिल्म को OTT पर भी रिलीज कर दिया गया है। दर्शक भी इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। OTT पर अपनी फिल्म रिलीज होने के बाद मनोज वाजपेयी ऑटो रिक्शा चालकों के बीच पहुंचे। इस दौरान सभी ने उन्हें गमछा देकर सम्मानित किया। सभी ऑटो रिक्शा चालकों ने अपने ऑटो पर इस फिल्म के पोस्टर को भी लगाया था, जहां लिखा था आ गए भैया जी। मनोज वाजपेयी को देखते ही ऑटो ड्राइवर ने खूब नारा लगाया। उन्होंने कहा भैया नहीं भैया जी कहो। BEd में नामांकन के लिए इस दिन जारी होगी पहली मेधा सूची। BEd में नामांकन को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में समाप्त हो चुकी है। अब 25 जुलाई को विश्वविद्यालय पहली मेधा सूची जारी करेगा। फिर मेधा सूची के आधार पर छात्र BEd में नामांकन करवा सकेंगे। वहीं मेधा सूची में जारी होने वाले नाम को लेकर विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी अशोक मेहता ने बताया है कि पहली सूची में अगर किसी छात्र का नाम नहीं आता है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अगली सूची का इंतजार करें। उन्होंने आगे बताया कि 342 कॉलेज में 37,400 सीटों पर बच्चों का नामांकन होना है। नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को 3,000 रुपये आंशिक रूप से देने होंगे।
विधानसभा में लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक हुआ पारित। विधानसभा में लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। अब प्रदेश में कहीं पर भी लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। साथ ही इस दौरान थर्ड पार्टी को भी बीमा करवाना होगा। यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना हो सकता है। साथ ही दंड का भी प्रावधान है। बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 ऊर्जा व योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने पेश किया था। गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए इस दिन तक करें आवेदन। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। आईपीआरडी बिहार के मुताबिक भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2024 में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है। यदि आप भी इसके लिए इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए https://awards.gov.in पर वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त है। पुरस्कार के लिए 3 कोटी निर्धारित की गई है, जिसमें देसी गाय या भैंस पालन करने वाले प्रगतिशील किसान, उत्तम डेयरी सहकारी समिति या दूध उत्पादक कंपनी या डेयरी कृषक उत्पादक संस्था और उत्तम कृत्रिम गर्भाधारण तकनीशियन शामिल है। प्रथम श्रेणी के विजेता को 5,00,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। दूसरे श्रेणी के विजेता को 3,00,000 रुपए और तीसरे श्रेणी के विजेता को 2,00,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। अयोध्या से जनकपुर के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। अयोध्या से जनकपुर तक साप्ताहिक ट्रेन चलाने की तैयारी है। नेपाल रेलवे ने ECR की तरफ से चलने वाली इस ट्रेन के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अब नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसकी जानकारी नेपाल रेलवे ने के GM निरंजन झा ने दी है। उन्होंने बताया है कि नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर नेपाल रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। इसकी समय सारिणी भारतीय रेलवे को भेज दी गई है। वहां से हरी झंडी का इंतजार है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वालों के लिए खुला काउंसलिंग विंडो। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा यानी DCSE काउंसलिंग के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने पंजीकरण विंडो 24 जुलाई को ओपन कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया था वे https://bcecboard.bihar.gov.in पर जाकर काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। 30 जुलाई पंजीकरण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर बोर्ड विकल्प भरने की प्रक्रिया के समय 5 अगस्त को बिहार DCSE राउंड 1 के लिए सीट आवंटन परिणाम की घोषणा करेगा। सावन के शुरू होते ही बारिश की बड़ी संभावना। बिहार में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से बारिश की संभावना बढ़ने लगी है। बीते दिन भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की बात कही गई है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। शराब तस्करों ने तालाब को बनाया तहखाना। छापेमारी में 31 कार्टन शराब हुए जब्त। शराब तस्कर तस्करी के लिए एक से एक नए हथकंडे अपना रहे हैं। शराब तस्करी की एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इन शराब तस्करों ने शराब रखने के लिए तालाब को ही तहखाना बना दिया। मुजफ्फरपुर मद्य निषेध विभाग की टीम ने इसका खुलासा किया है। शराब की जब्ती ड्रोन कैमरे की मदद से की गई है। इस दौरान 31 कार्टन शराब की जब्ती हुई। ये कार्रवाई करजा इलाके में की गई है। उत्पाद विभाग ने छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की थी। तस्करों ने नया गांव के बीच चौर में तालाब के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर शराब की खेप को रखा था और यहीं से शराब बिक्री के लिए जाती थी। छापेमारी के दौरान शराब तस्कर भागने में सफल रहे। इस मामले पर आगे की छानबीन चल रही है। विपक्ष पर बरसे CM नीतीश। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी कार्यवाही के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। सदन में आरक्षण और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हंगामा देख CM नीतीश भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने कांग्रेस और राजद विधायकों को कहा कि हम तो सुनाएंगे ही, सारा काम हमने ही किया है। 2010 से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। वहीं आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। साथ ही इसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है।
माले विधायक ने गरीबों के लिए 10 किलो राशन व 200 यूनिट फ्री बिजली की कर दी मांग। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, राजद और भाकपा माले सभी विपक्षी बिहार सरकार को लगातार घेर रहे हैं। बीते दिन भाकपा माले के विधायकों ने भी केंद्रीय बजट को लेकर खूब हंगामा किया। इस दौरान भाकपा माले के विधायकों ने सदन के बाहर पोस्टर के जरिए अपनी मांग रखी। इस दौरान इन्होंने गरीबों को 10 किलो राशन फ्री में देने की मांग की, साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली की भी मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान माले विधायक ने कहा कि सिर्फ 5 किलो राशन से गरीबों का कुछ नहीं होने वाला है। पद यात्रा के दौरान प्रशांत कसो ने लोगों को कही ये बात। बीते दिन मधेपुरा में छठे दिन जनसुराज अभियान के तहत प्रशांत कसो ने पद यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कई स्थानीय लोगों से बात भी की। पद यात्रा में युवा और महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। यहां आम लोगों को प्रशांत कसो ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप खुद को ठग रहे हैं, अपने बच्चों को ठग रहे हैं, तो नेता आपको ठगेंगे ही। आगे उन्होंने कहा कि 5 बरस बैठकर आप रोते हैं कि आपके लिए नालियों का निर्माण नहीं करवाया गया है, गांव में सड़क नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, घर में छप्पर नहीं है, मगर इन सबके बावजूद आप वोट जात धर्म देखकर ही देते हैं। सूर्य कुमार को कप्तानी मिलने पर अक्षर पटेल का बयान आया सामने। 27 जुलाई से भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ये मैच खेल रही है, जिस पर स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सूर्य कुमार यादव के साथ काफी समय बिताया है। सूर्य एक खुश मिजाज इंसान है, वो माहौल को जीवंत रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना और ऐसी ही मजेदार चीजें करना पसंद करते हैं, मुझे पता है कि वो माहौल को शांत रखेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1813 में भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित हुई थी। आज के दिन वर्ष 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। आज के दिन वर्ष 1922 में श्यामा चरण दुबे का जन्म हुआ था, ये एक भारतीय समाज शास्त्री और साहित्यकार थे। आज के दिन वर्ष 1894 में परशुराम चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, ये विद्वान और शोधकर्मी समीक्षक थे। ट्राई द्वारा मुफ्त रिचार्ज देने के नाम पर वायरल हो रहा ये मैसेज। इन दिनों कई लोगों के पास एक मैसेज पहुंच रहा है। मैसेज ट्राई का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि सभी भारतीय नागरिकों को ट्राई मुफ्त मोबाइल रिचार्ज करने का मौका दे रहा है। आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। ट्राई द्वारा ऐसी कोई भी मुफ्त रिचार्ज की सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी शेयर किया है और फर्जी बताया है, इसलिए इस तरह के फर्जी मैसेज से सतर्क रहें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 19 जुलाई, ऑप्शन डी है 21 जुलाई। इसका सही उत्तर है 20 जुलाई। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राम प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एने पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है राज दीक्षित, ऑप्शन बी है थलपिप्पल प्रदीप, ऑप्शन सी अजित पवार, ऑप्शन डी है प्रदीप डांगर। इसका सही उत्तर है थलपिप्पल प्रदीप। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए है महमूद गजनी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। इसका सही उत्तर है बख्तियार खिलजी। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है हजारीबाग। इसका सही उत्तर है रांची।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रिंकी कुमारी, नुन्नू गोलू कुमार, राकेश मिश्रा, शशि कुमार यादव, संजीव कुमार, शिवचंद्र मंडल, अमित कुमार, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, ओंकार सिंह, पवन सिंह, मिथिलेश कुमार, कल्याणी चौधरी, मोहम्मद साकिर हुसैन, मुन्ना प्रसाद, विजेंद्र कुमार शाह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।